हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई 3 की एग्जाम डेट क्या आगे हो सकती है, एग्जाम सेंटर में बदलाव, टीआरई 1 और टीआरई 2 में कुछ अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है और टीआरई 3 अगर आप देने जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में टीआरई 4 भी, क्योंकि यहाँ पर आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि डेली बीपीएससी के 5 बजे क्लासेस होती हैं। कल जो है मैंने साइंस की पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पे भेजा हुआ है, आप जाकर डाउनलोड करके वहाँ से आराम से पढ़ सकते हो, वन लाइनर है। एंड अब आपका जो है जीके जीएस वाला पोर्शन है उसका दोबारा से रिवीजन होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत जो है पढ़ चुके हैं। साथ में डेली 1 बजे आपके सीटेट का एग्जाम होता है, तो अगर आपका इस बार टीआरई 3 में आपने अप्लाई किया है, कम नंबर है, ऑब्वियस ही बात है काउंसलिंग में आपको बाहर किया जाएगा अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो, या फिर आप सोच रहे हैं कि टीआरई 4 में तो हमको जाना ही है और सीटेट इस बार हर हाल में क्लियर करना है, पेपर 1 पेपर 2, तो आप 1 बजे डेली सीटेट का पेपर 2 का सोशल साइंस की क्लास होती है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड अभी रिसेंटली ही मैंने सीटेट सोशल साइंस की नोट्स दिए हैं हिस्ट्री का, जो कि बहुत पसंद आया है लोगों को। एंड 8 जून को ज्योग्राफी एंड पॉलिटी का भी मिल जाएगा, तो आप ले सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको नंबर मिलेगा, टेलीग्राम का भी लिंक, आप ज्वाइन हो जाइएगा, टीम आपको तुरंत नोट्स प्रोवाइड कराएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल मैंने देखा कि एग्जाम डेट को लेके बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही थी ट्विटर पे, यूट्यूब पे, साथ में आप भी पूछ रहे थे कि क्या 27 से 30 जून की डेट आगे हो सकती है। देखो, ये तो एकदम श्योरिटी नहीं है, क्योंकि पहले भी इनके बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, आपने देखा होगा कितने बदलाव होते हैं, एग्जाम डेट भी कितनी बार ये लोग आगे करते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर आगे हो भी जाता है तो इसमें कोई बहुत ऐसा जो है सोचने वाली बात नहीं है। वैसे आप 27 और 30 जून को ही मानकर करो, क्योंकि हाई कोर्ट में आपको पता ही है कि गेस्ट टीचर के ही अगेंस्ट में एलपीए दायर किया गया है, तो उसकी सुनवाई होगी, कुछ भी रिजल्ट आएगा, अब ये नहीं पता है कि उस समय क्या चीज़ें होंगी, बट फिर भी पॉसिबिलिटीज तो यही है, क्योंकि आप जानते हैं कि 10 से 12 जून के बाद से ये एग्जाम की डेट बढ़ती है, फिर केस आता है दोबारा से 27 से 30 जून के बीच में, और बस चाहते हैं कि पेपर हो जाए, आप उसको मानकर ही तैयारी करो और उतना कोई इसका ज्यादा इफेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा हाईकोर्ट केस का। अब तो इलेक्शन भी खत्म हो चुके हैं, आज उसका रिजल्ट भी आने वाला है, तो आप तैयारी करें। और अगर डेट आगे बढ़ेगी भी तो 2 से 4 दिन, तो 2 से 4 दिन तो मैं वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, ना तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी, ना ही आप बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नया पढ़ लोगे, तो अभी का जो समय है आपको उसको यूटिलाइज़ करना है, और 27 से 30 जून को ही पेपर होगा, इतना आपको मानकर चलना है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, रिवीजन कीजिए एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, साथ में आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हो। अच्छा, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाईकोर्ट केस की वजह से दोबारा से पेपर जा सकता है जुलाई में, ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले ही आयोग ने बोला है कि हमको हर हाल में टीआरई 4 अगस्त में कराना है और उसके पहले ये पेपर कंप्लीट कराना है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि खासतौर पर अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं कि उनका नंबर सीटेट में कम है और वो उन्होंने टीआरई 3 का फॉर्म भरा है, क्या वो जा सकती हैं? तो देखिए, आप अदर स्टेट के यहाँ जनरल में आते हो, अगर आपके 90 से कम है तो आप प्लीज़ मत जाना, आप सीटेट जुलाई पे फोकस कर लीजिए और टीआरई 4 में शामिल हो जाइए, क्योंकि अब वो काम नहीं चलेगा जो टीआरई 1 और टीआरई 2 के समय हुआ है, क्योंकि उस समय पता नहीं किस तरीके से चेकिंग होती है। अब दोबारा से शिक्षा विभाग अपने स्तर पे जांच कर रहा है, बहुत सारे लोगों को बाहर कर रहा है, तो इस बार काउंसलिंग में जो लोग भी जाएंगे ना टीआरई 3 की पास करके, चेकिंग होगी, वहीं से वो लोग बाहर हो जाएंगे, तो आप इतना कष्ट सह के एग्ज़ाम देने जाओगे फिर बाद में बाहर, इससे बेटर है कि आप अच्छे से, बहुत अच्छे से तैयारी करें, और टीआरई 4 तो होना ही है, ठीक है। एग्जाम सेंटर में भी बदलाव होंगे, एग्जाम सेंटर आपने देखा होगा कि जो पहले के सेंटर बनाए गए थे वो सेंटर इस बार नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि पेपर अच्छे से कराना है, ट्रांसपेरेंसी रखना है, कोई भी धांधली, ये नकल माफिया, नकल जो सेटिंग कर लेते हैं, इनसे बचना भी है और ये दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर है, इसको ध्यान में रखते हुए वो पुराने सेंटर नहीं बनाए जाएंगे, ठीक है। तो बीपीएससी अपने स्तर से बहुत ही अच्छे से पूरी प्रिपरेशन कर रही है कि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से कराया जाए, जितना जल्दी हो सके एग्जाम कंप्लीट होकर आपका रिजल्ट जारी किया जाए, काउंसलिंग, देन आपका नियुक्ति पत्र, और आपको पता ही है टीआरई 4, इन सबको साथ में लेके चलना है, और अच्छा भी है, क्योंकि जितना जल्दी एग्जाम होगा उतना ही आप जल्दी आपको 4 और 5 देखने को मिलेगा। तो अब ये क्वेश्चन मत करना कि एग्जाम की डेट क्या होगी, ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही आपको 20 तक एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा, एंड रिजल्ट भी आपका ये लोग जुलाई में दे देंगे, साथ में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगस्त तक। अब बात करते हैं टीआरई 1 और 2 से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप सोचो, कुछ पॉइंट नंबर से, एक एक नंबर से अभ्यर्थी बाहर हो गए, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सीटेट में फेल हैं और 1 से 2-4 महीने से नौकरी कर रहे हैं, अब उनका पूरा जो है एक तरीके से कहा जाए तो पूरा विवरण ही आ चुका है, आपने देखा भी होगा, नोटिस में लगाऊंगी, आप इनके मार्क्स देखिएगा, अभी तक ऐसे 39 अभ्यर्थियों से स्पष्टीकरण मांगा गया था, इनके नंबर भी कम हैं और ये अदर स्टेट के हैं, साथ में कुछ शिक्षक संगठन थे, उन्होंने भी शिकायत की थी कि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कि फेक डोमिसाइल, ये सिर्फ सीटेट का नहीं है, फेक डोमिसाइल से नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिसमें महिलाएं भी हैं और कुछ पीएच कैटेगरी वाले भी हैं, पीएच कैटेगरी वालों को भी आरक्षण का लाभ मिल गया, महिलाओं को भी मिल गया, साथ में कुछ फेक डोमिसाइल उनको भी मिल गया। तो अब जो है शिक्षा विभाग अपने स्तर से, अब ये पूरा स्टार्टिंग से ही जांच होगी, आप अब आप सोचिए, जो जांच पहले हो जानी चाहिए थी वो अब हो रही है, तो इसमें
जो नौकरी कुछ महीने से कर रहे थे वो तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, बट उनका भी लॉस हो गया। जो एक फेक नहीं थे, जिनके पास पूरी अच्छे से डॉक्यूमेंट थी, बस कुछ नंबर कम था, और वो अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट का भी वेट कर रहे थे बट उनका नहीं हुआ। तो ये अब जो है इस समय जाँच हो रही है। तो चलो ठीक है, वैसे भी इन लोगों को बाहर होना भी चाहिए क्योंकि गलत तरीके से नौकरी कर रहे हैं। एक तो पहली बात तो फेक डोमिसाइल बनवा लिया आरक्षण का फ़ायदा उठाने के लिए। सीटेट में तो चलो कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न था, जो बाहरी स्टेट की जो महिलाएं हैं उन्हें तो खास तौर पे ये लग रहा था कि वो भी सामान्य महिला ही हैं जिस तरीके से बिहार की सामान्य महिला हैं, वो अब जाकर क्लियर हुआ है। बट ये जो इतना बड़ा सा जो जंजाल बन चुका है, क्योंकि अब धीरे धीरे चेकिंग हो रही है और शिक्षा विभाग ने बोला है कि हम अपने स्तर पर जाँच करेंगे, पूरा फोल्डर ही देखेंगे, हर एक चीज़ की जाँच होगी, आपका आधार कार्ड, आपका डोमिसाइल, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके सीटेट का सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र एंड मार्क्स। और अभी तक 39 लोगों को, आपने देखा होगा दरभंगा का ही एक जिला ऐसा था जिसमें 46 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको नोटिस भेजा गया है, और कुछ लोगों को बोल दिया गया है कि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपका हम ये नियुक्ति रद्द कर देंगे। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो। और ऐसा भी न्यूज़पेपर में निकला है कि दर्जनों शिक्षकों की जाएगी नौकरी TR1 एंड TR2 से, ऐसे दर्जनों शिक्षक हैं जिनके डॉक्यूमेंट सही नहीं मिले हैं। ठीक है, और अभी ये जांच कंटिन्यू रहेगी तो पता नहीं कितने और सीट वैकेंट हो जाएंगे, और इस तरीके से आपको ये सारे सीट 4 में देखने को मिलेगा, और 4 अपने समय सही समय पर होगा। जितने BA DLED सीटेट पास कर लेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, वही जाकर TRE 4 में अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, खास तौर पे अदर स्टेट से मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपके सीटेट में 90 मार्क्स नहीं है तो आप मत जाना, आप तैयारी करो और कोशिश करो कि सीटेट जुलाई में आपके मार्क्स अच्छे खासे आ जाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 1 बजे आपको सीटेट की क्लास मिलेगी, सीटेट सोशल साइंस की। अगर आपको हिस्ट्री का पेड नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं, बाकी के नोट्स आपको 8 जून को मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।